गुड मॉर्निंग गाइस, नहा लिया है, सुबह हो गया, उठ गया है और रात को ये मेहंदी लगाई थी, ये बहुत ब्यूटीफुल लगी है। तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं सरगी के लिए। घर में सब सोए पड़े हैं तो मैंने परांठे बनाए हैं पनीर के, और दूध बॉईल हो चुका है इसके लिए, सरगी के लिए थोड़ा सा एप्पल काटा, बिकॉज मुझे एप्पल पसंद है। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम सरगी का प्रोसेस। सो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग गाइज, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल लेडीज एंड जेंट्स ऑल्सो। तो सरगी की तैयारी चल रही है, सरगी मैंने रखी हुई है सेमियाँ बनाने के लिए जो करवा पे स्पेशल आती हैं, और एक बनाया मैंने साथ में पनीर का स्टफ परांठा और थोड़ा सा एप्पल है साथ में, बिकॉज एप्पल मुझे इतना पसंद नहीं है। तो बस अभी तो यही तैयारी चल रही है, ननंद को बना के दे दिया, वो खा रही है और खुद बना रही हूँ, अब उसके बाद खाएंगे। मैंने नहा लिया है और जैसे कि आपको पता है कि आज करवा चौथ है, तो सारा व्लॉग मैं ही शूट करने वाली हूँ। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज सारे सोए पड़े हैं और सब उठ ना जाए, इसलिए मैं स्लो बोल रही हूँ। तो मैंने नहा लिया है, बस अभी मैं ये बना के खा के और उसके बाद बेबी को दूध पिला के मैं सो जाऊँगी, फिर सुबह मिलती हूँ आपसे मैं, ठीक है। और हाँ, ये जो मैं बैंगल्स लेके आई थी, इसमें से एक एक बैंगल मैंने अभी पहन लिया, बिकॉज सरगी खाते टाइम हाथ सूने नहीं होते हैं और मांग भी, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलती हूँ मैं मॉर्निंग आपसे। So welcome back to new vlog guys. Good Happy morning. Karva Chauth, guys. Once again, कैसे आप सब? सभी को और सभी के ड्रीम्स पूरे हों, सबको लंबी उम्र मिले। और आज का मॉर्निंग का ड्रेस ये है, मैंने पहनी है कुर्ती एंड पजामी और रात को पहनेंगे ड्रेस गाउन। और मेहंदी का कलर बहुत सुंदर आया है, लास्ट टाइम जब मैंने करवा चौथ रखा था तो हमने पहला व्लॉग बनाया था, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ कि वन ईयर, एक टाइप से वन ईयर कम्प्लीट हो गया, इसी फेस्टिवल पे हमने पहला व्लॉग डाला था, आज के दिन ही स्टार्ट किया था हमने, है ना। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था आप सबका, थैंक यू सो मच गाइस, यार बहुत प्यार दिया आपने यार, एक साल में बहुत अच्छा लगा यार। और अभी हम ना थोड़ा मार्केट जा रहे हैं, एक्चुअली कल मैं थोड़ी बैंगल्स लेके आई थी, उसका ना थोड़ा सा कलर फेड सा हो रखा है तो वो चेंज करके आने हैं, और एक दो काम और है, मम्मी के पास भी जाना है क्योंकि जो रात को हमने पूजा करनी है उसका सामान अभी तक मैं लेके नहीं आई, तो मैं सोच रही हूँ कि आप सबको भी दिखाएंगे हम क्या लेके आ रहे हैं। और आज का व्लॉग सारा हम आपके साथ स्पेंड करेंगे जैसे लास्ट ईयर किया था। तो और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे, हल्की हल्की बारिश भी हुई है और बहुत ठंडा हो रहा है, मतलब ठंड टाइप का ही हो चुका है यहाँ पे, बहुत अच्छा हो रहा है। बने रहिए गाइस हमेशा की तरह, सिमी एक्शन मारते हुए नेट दस और मेकअप करके मैनली मैडम मोटा खर्चा करवाने आ चुकी है। मैं कोई मोटा खर्चा नहीं, भाभी के लिए। अच्छा, भाभी के लिए भरी भरी कटलीस हो गई ना, निकली बेड के लिए देख रहे हो ना। फाइनली शॉपिंग हो चुकी है और हमने सिमी की भाभी के लिए ले लिया गिफ्ट, रिलायंस वाले आते हैं यहां पे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी वैरायटी है। सो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, तो अभी देखो बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बस अब मे भी ठंड स्टार्ट हो ही जाएगी यार, तो फाइनली निकल रहे हैं अब जा रहे हैं मेरे ससुराल में, अभी शॉपिंग करने जाना है, तो निकलते हैं। सो गाइस, शॉपिंग से जैसे हम निकले हैं और बारिश शुरू हो गया है, और ये देखो भैया का बेचारे का सारा दूध डूल गया है, दूध जी का, हाय मेरे को बहुत बुरा लगता है ऐसे जब फूड वेस्टेज होती है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और इन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, तो मैंने अब इनको बोला कि तुम खा लो यार, नहीं भूखे नहीं रहना। चलो मेरा तो फास्ट है, तो तुमने क्यों नहीं खाया भाई ये बताओ यार, फिर मैं खाऊंगा ये फेस देख के। अभी मैंने इनको बोला मैं खा लो, तो ये बोल रहे तू तो मेरा मुंह देखेगी, फिर मैं क्यों देखूंगी भाई तुम्हारा मुंह, मुंह में पानी आएगा फिर इसको भूख लगेगी। मेरे मुंह में कोई पानी नहीं आ रहा, एक ओनली, आज इनको भी पता भैया को ये खाएंगे तो आज तो फास्ट है। अब मेरे को भूख तो बिल्कुल नहीं लगती, बिकॉज मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हूँ, आधा दिन तो मैं ऐसे ही भूखी रहती हूँ, मेरे को सिर्फ प्यास लगती है क्योंकि मैं पानी की बहुत एडिक्टेड हूँ, सारा दिन मैं पानी पीती हूँ, और अब बिना पानी के पूरा दिन पता नहीं कैसे रहा ना, आधा दिन तो चलो निकल ही है। और गाइस ये देखो मेरी मेहंदी ने कितना सुंदर कलर स्टेन किया है, और ये आपको रिंग अगर याद है तो ये इन्होंने मेरे को लास्ट करवा चौथ पे गिफ्ट की थी,
ये बहुत प्रिटी है। इस करवा चौथ तो मतलब कह रही है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बहुत सियानी हो गया लड़की हमारी। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए बिकॉज अब हमारे बच्चे आ गए तो उनके लिए सेविंग करनी बहुत जरूरी है। तो अभी हमने इस बार करवा चौथ पे मेरे को कुछ नहीं लेना, तो मैंने भाभी के लिए रिंग, जैसे कि भाई की शादी आ रही है उनके लिए, तो मैंने रिंग ले ली है। क्योंकि ना मैं रिलायंस से शॉपिंग करती हूं। यार बताना नहीं चाहिए था व्लॉगिंग में कि रिंग ले लिया, सरप्राइज हो जाता। सरप्राइज तो सरप्राइज क्या होता है इसमें। लुक एट द वेदर, ये बारिश पड़ रही है, माय गॉड इतना सुंदर लग रहा है हमारी न्यू कार, और उसमें मेरे सुंदर सुशील पति ने स्मूथनिंग कराई है, स्मूथनिंग भी कराई है इन्होंने, इनको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है अभी शादी की। सो गाइस बने रहिए, हमारे ब्लॉग्स आते रहेंगे धड़ाधड़, क्योंकि भाई की शादी आने वाली है, मेहंदी हल्दी। और सो गाइस भाई की शादी जैसे कि आपको पता आने वाली, अब मंथ भी नहीं रह गया, थोड़ा सा टाइम रह गया, तो फिर बस अब हम शॉपिंग करेंगे। मतलब काफी कुछ तो हमने खरीद भी लिया है, इनकी ड्रेस तो ऑलमोस्ट फाइनल है, उस दिन ब्लॉग जो हमने आपको शॉपिंग का दिखाया था, मेरी एक ड्रेस आ गई है, एक ड्रेस रहती है, बाकी वो आपके लिए सबके लिए सरप्राइज होगा कि कैसे होगी कैसे नहीं। और थैंक यू सो मच गाइस, एक साल इतना सारा प्यार देने के लिए, फिर से थैंक यू यार, फिर से वंस अगेन। मतलब इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई जितनी आप सबके कमेंट्स पढ़ के होते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ हमें यहाँ तक लेके आया, और आगे भी देते रहना यार, और आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स हम लाते रहेंगे आपके लिए। एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल लेडीज, सैल्यूट है यार उनको, मतलब इतना सब कुछ करती हैं लाइफ में, और उसके बाद अपने पति के लिए फास्ट भी रखते हैं, कभी पति भी रखते हैं फास्ट, उनको भी रखना चाहिए। रखता तो हूं मैं, ऑन करने दे, अब ओपन कर। ये देखो इनका फास्ट, ये देखो ये खा रहे हैं, बताओ, और मुझे भूख लग रही है नहीं खाना मैं रात को खाऊंगा, अच्छा बनाएंगे और फिर साथ में खाएंगे। गाइस मुझे ना ऐसे मांग भरना बहुत पसंद है, बट मैं कभी कभी भरती हूँ, बिकॉज जिम में ना अगर ऐसे मांग भर के जाएंगे ना तो सारा पसीना ऐसे ऐसे पानी पानी, मतलब सारा माथा सब रेड हो जाएगा, बट हाँ कभी कभी ओकेजनली अच्छा लगता है। ये देखो जरा, ये देखो गाइस, अगर आपको सबसे अच्छे छोले कुलचे इंजॉय करने हैं ना, तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे छोले कुलचे बनाता है ये भैया, ये इनके तो फैन है इसके, ये तो जरूर खाते हैं। और ना अनहेल्दी कुछ नहीं होता है, बिकॉज कुछ फ्राइड नहीं होता इसमें, और चिकन्स होते हैं, प्रोटीन होता है। हाँ ये थोड़ा बर्न, थोड़ा बर्न हो सकता है अनहेल्दी, बट वो भी अगर आप किसी चीज से अल्टरनेट करते हो चपाती वगैरह से, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी खा सकते हैं। और बारिश का देखो नज़ारा, और आज मैंने मेकअप किया है, आई मेकअप स्मोकी स्मोकी क्लुक किया है मेरे कुर्ते के अकॉर्डिंग, तो ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है, और लिपस्टिक भी। बारिश पड़ रही है भाई, बहुत बुरा हाल हो रखा है, ये देखो गर्मा गर्म छोले कुलचे, ये देखो भुखड़, ये मुझे भुखड़ बोलता है, ये खुद भुखड़ बना हुआ है, गंदा बच्चा खा रहा है, और मुझे कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया तो तुम्हें किसने बोला था कुलचा खाने में कितना मजा आ रहा है। अरे यार जाओ यार तुम, चलो यार सो जाओ, बाय गुड नाइट। ओ भाई साहब कितनी बारिश हो रही है, आज तो नहीं निकलता चांद, भूख लग रही है पहले। देखो ड्राइविंग कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं दिख रहा है सामने, ओले पड़ रहे हैं, मतलब आवाज देखो, आवाज सुनो, इतनी तेज बारिश पड़ रही है, मतलब कुछ नहीं दिख रहा ड्राइविंग के टाइम पे, इतना बढ़िया वेदर हो गया, बट ना ड्राइविंग के लिए थोड़ा खतरनाक है। ओ भाई साहब सब लाइट्स ऑन करके जा रहे हैं पीछे की दिन में। तो गाइज मैं घर से आ चुकी हूँ, मैं घर गई थी, तो घर मैंने ना थोड़ा मतलब शॉपिंग वगैरह करनी थी, जो शाम को मम्मी जी को सामान वगैरह देना है, मतलब जो भी सब होता है खाने पीने का सामान, सूट्स वगैरह तो मैं पहले ले आई थी, वो सब उनको दे दिया है, तो उनको देने के लिए लेके आई हूँ अभी, मतलब सामान पीछे पड़ा है गाड़ी में अभी, मैं कुछ क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, और मैं बोंदल रही हूँ, बोंदल इन द सेंस मतलब कि थोड़ा दिमाग चल रहा है और प्यास लग रही है, और हस्बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन्होंने छोले कुलचे खाए आराम से, मजे किए इन्होंने, ये देखो क्या खाया सुबह इन्होंने, इतना सा खाया था, और घर पे इनके सालन इनको स्पेशल कॉफी बना के पिलाई है, और ये कॉफी से क्या होता है, कॉफी से क्या होता है, और जिनको पानी भी नहीं मिला सुबह से। अच्छा गाइस और एक और बात मैं आपसे शेयर,
आपसे एक और बात शेयर करनी थी। मैं गई थी अभी मम्मा के साथ सामान वगैरह लेने, तो वहाँ पे मेरे दो सब्सक्राइबर्स मिले, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि मतलब छोटे छोटे बच्चे देख रहे थे, तो उन्होंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा इनकी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं अनायश नायर, तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि मेरी छोटी छोटी बेबीज को अभी से लोग जाने लगे हैं कि अनायश नायर रियल में फेमस हो रही है। बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के। अनायश नायक जब वो बड़ी हो जाएंगी तो मतलब इतना होना चाहिए कि हाँ उनको लोग जाने, बस मेरे लिए इतना ही बड़ा है कि वो बड़ी होके बोलेंगी कि हाँ मम्मा आपने बहुत अच्छा किया। मेन तो ये है कि उनका बचपन कैप्चर हो जाएगा सारा यूट्यूब पे, जो वो हम कर ही रहे हैं। और बाकी गाइज मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे कि आज करवा चौथ का व्रत है, तो मैं सबके लिए ब्लेसिंग्स अपनी तरफ से कर रही हूँ, मतलब मैं सबके लिए ब्लेसिंग कर रही हूँ, जो जो हमारे सब्सक्राइबर है या नए भी है, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, कि सबकी लाइफ अच्छी अच्छी हो, सबके सुहाग हरे भरे रहे। और मतलब ये बहुत अच्छा दिन होता है, इस दिन मतलब बहुत मजा आता है, बहुत इंजॉय, कुछ खाने को नहीं मिलता पर इंजॉय पूरा होता है, क्योंकि तैयार होने को तो मिलता है ना। और गाइस हाँ गिफ्ट भी मिलते हैं, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे गाइस, आज तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है अभी तक, कुछ मिला तो है नहीं है, चलो बाकी देखेंगे जो भी होगा आपको बताएंगे। और हम घर पहुंचने वाले हैं जैसे कि, और आगे क्या था, और क्या बताना था इनको, कुछ रहा तो नहीं गया, जाना माथा नहीं टेकना तुमने। हाँ, और मेरी ननद का, मेरी ननद का फोन आया था मुझे, कह रही कि आप आए नहीं भाभी, मैं मेरी सिस्टर आई हुई है, तो उन्होंने भी फास्ट रखा है, क्योंकि इनके इधर फैमिली में तो कोई फास्ट रखता नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने बाबा जी का नाम वगैरह ले रखा है, तो हमारी बस दीदी ही, दीदी ने रखा हुआ, मैंने रखा हुआ फास्ट, तो बस मैं घर जाऊंगी, थोड़ी बहुत पूजा करेंगे, और उसके बाद गॉयज उसके बाद हम क्या करेंगे, त्यौहार होंगे, शाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि मेरे हमारे घर पे हमारी फैमिली में तो सब मतलब कथा वगैरह प्रॉपर होती है इस दिन को, बहुत मतलब यानी कि मेरे ससुराल, हाँ तो मतलब दोबारा वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है अभी 5:30-6 बजे, अच्छे से तैयार होंगे, रेडी होंगे, अभी तो ये मैंने सुबह वाली ड्रेस जो भी पहनी हुई है इसी में हम यहाँ पे पूजा कर लेंगे, फिर घर पे जाके मैं अच्छे से रेडी होंगे, आपको सब दिखाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि मेकअप भी दिखाऊं थोड़ा थोड़ा आपको, बट अगर मैं मेकअप दिखाने लगती तो बहुत लेट हो जाएंगी, इसलिए मेकअप की वीडियो एक अलग से बनाएंगे, अगर आपको अच्छा लगा मेरा मेकअप तो मुझे कमेंट्स करना, मेरा एक अच्छी सी वीडियो आपको। बाकी आज जो मैंने लुक किया, ये भी मैंने स्मोकी आईज किए पर्पल वाले, तो ये भी बताना आपको कैसा लगा, ये डेली कैजुअल लुक है। और हस्बैंड हो रहे हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड, क्योंकि उनका तो उनके लिए तो मैंने फास्ट रखा है। तो गाइज मेरी मेहंदी हो चुकी है पूरी की पूरी डार्क, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये मत बोलना कि मतलब सोचना कि आज मैं कितना क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए इतना बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है और प्यास भी लग रही है। बाकी पीछे सारा सामान लोड कर रखा है मम्मी जी के लिए, आज मम्मी जी को खुश कर देंगे, वैसे तो मम्मी जी खुश ही रहते हैं 24 घंटे, क्योंकि मम्मी मेरी साथ बहुत प्यारी है, वो स्वीट है, ठीक है। सो गाइज आई लव यू ऑल, और मेरा हेयर स्टाइल भी बताना कैसा लग रहा है, मेरे ऊपर सूट कर रही है, बीच की मांग मैंने कभी निकाली नहीं है, बीच की मांग ले कर रहा बीच मांग, ये मेरे हस्बैंड जी। और कैसा लग रहा है बेबी आपको, आपके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, देखो सुबह से मैं भूखी हूँ भाई, जीती रहो बेटी जीती रहो जीती रहो, चलो आशीर्वाद तो मिल गया, मेरा तो जीवन सफल हो गया, सदा सुहागन रहो, अपने आप को आशीर्वाद दे रहे, मेरे को नहीं दे रहे, अपने आप को दे रहे। चलो ठीक है गाइस, अब हम घर पहुंच चुके हैं, तो इसके बाद आगे दिखाते हैं आपको। सो गुड इवनिंग गाइस, तो जैसे कि आपको बताया था शाम को रेडी होंगे, पूजा के लिए रेडी हो चुकी है सिमो, और यार लड़कों को क्या कपड़े, मेरे तो वही है, वही डाल रखे हैं मैंने, तो सिमो तैयार हो गई है गाइस, मेरी लुक बताना कैसे लग रहा है, मैंने शादी हो रही है पूरी ऐसी लुक तैयार की है इसने, तो खुद हेयर स्टाइल किया है ये मैंने, और ये वाला मांगटिका, और ये मेरे को इन्होंने गिफ्ट किया है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया है, ये पता नहीं कब जाके लेके आए हैं, और ये बहुत सुंदर लग रहा है, और वो कंसीलर किट है, आपको क्या पता कंसीलर किट क्या होती है, मेकअप में यूज होता है वो भी, इन्होंने देख ही रही होंगी। बाकी ये इन्होंने मुझे जो गिफ्ट किया, कहाँ दिखा रहे हो, इधर दिखाओ, ये आजकल कुंदन वर्क बहुत चल रहा है ना ये, और ये बैंगल्स मम्मी ने लेके दिए हैं, बहुत सुंदर है ये भी, और कैसी लग रही हूँ मैं बताना ज़रूर, ये मैंने खुद से हेयर स्टाइल किया है, खुद ही सब कुछ किया है, फुल रेडी। सो अभी पूजा के लिए जाएंगे, और पहले वहाँ पे उधर भी जाना है, पहले यहाँ पे पूजा आएगी फिर वहाँ पे जाएंगे, तो मिलते हैं आगे। सिम्मी के औजार जिनसे इसने मेकअप किया है, सॉरी ये अलग था, ये बताना था वैसे, तो सिमू मम्मा के लिए ये लेके आई है, मेरी मम्मा के लिए, अपनी सासू मम्मा के लिए, ये तो मम्मा का सूट है, और ये अब उसमें से डैडी की शर्ट निकाल लो, तो
सो ये रही सिम्मू की थाली। सो गाइस देखिए, मैंने मम्मी के लिए थाली रेडी कर दी है। इसके अंदर वैसे ना बादाम और ये सब कुछ देते हैं, बट मैं बादाम, काजू और मतलब सारे ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स ले रही हूँ, क्योंकि फिर मम्मा जी ना अपना एक बार खुल जाता है ना, फिर वो पैकेट फिर से लाभ जाता है इसलिए। और ये मम्मा का सूट है जो मम्मी ने खुद पसंद किया था, मैं उनके लिए लेके आई हूँ। ये डैडी की पैंट है और ये डैडी की शर्ट है, और ये वाला पहले यहाँ पे माथा टेक लेंगे, उसके बाद वहाँ पे घर पे जाएंगे तो ये वो थाली बर्तन रखने वाला वो करेंगे, फिर उसके बाद मम्मी और को ये सब देंगे खाने के लिए। ये सिर्फ उनका होता है, ये पहले यहाँ पे माथा टेकेंगे फिर जाएंगे वहाँ पे, सिर्फ वही खाएंगे। अभी चलते हैं माथा टेकने के लिए। तो सासू माँ बांध रही है मम्मी, चुन्नी ले लो भाई, मम्मी से मिल लो, और ये रही मेरी सिस्टर। हेलो, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। टू ऑल, सो ये रही करवे। सो सिम्मू बन चुकी है देवी माता, राधे माँ। ये खाने के सामान मम्मी को मिलेगा। आ जाए चुका later. Yeah, baby, don't throw our love away. Just like me, still instigating things. Guys, Anaya se milo. Paru. Iske gudgudi hoti hai, dekho. अनाया अपनी मम्मी को देख रही है। मम्मी ने क्या मेकअप किया है आज? ओए क्या से दिख रहा वो देखो, पहचान नहीं रही है आज। जाओ जाओ मम्मा के पास, जाओ मम्मा के पास, जाओ मम्मा के पास। चांद का तो पता नहीं आज निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बेचारी की क्या हालत है बता, भूख लग रही है इसको। तो भूख लगती है भाई, देखो पैंट क्या खुशबू आ रही है, खुशबू है अच्छी अच्छी चीजें की, मतलब ऐसा भी करेगा इसका दिमाग चल रहा है, ये कुछ से कुछ बोली जा रही है। अपने मेरे बैक नेक तो देखेंगे, पर दिमाग से चलता जा रहा है, कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। बहुत भूख लग रही है, भूख लग रही है। चलो आपको कैसा लग रहा है? आपने तो ठूस लिया है। मैंने क्या खाया, थोड़ा सा ही तो खाया, थोड़ा सा ही खाया मैंने। अभी देखते हैं चांद निकलता है, अभी उसका दिखाएंगे अब आगे। चलते हैं ऊपर, देख के आता हूँ कि निकला कि नहीं निकला। यार आप अनाया से तो मिल लिए, अब शनाया से तो मिल लो। शनाया पूरा पैक होके पड़ा है, शनाया की ठंडे डिक्लेयर हो चुकी है क्योंकि आज ठंड हो रही है, काफी बारिश आई थी। गोलू सबको हाय कर दो, स्कूटी डाली हुई गोलू ने आज। हाँ ये गोलू 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 को मच्छर काट गया आज। ये मम्मा को देख, प्रोफाइल ली इतनी जद्दोजहद के बाद। चंदा मामा निकल चुके हैं और सिम्मू भी आ रही है। सिम्मू आ रही है, वेलकम वेलकम। ओ यार पूछ गया। नो 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 नो।
good thing. Another night ruined, I don't even know when we became this way. Now you're acting so different than when back when we had it easy. Now you don't believe me when I say I'll change. But how can I lose you now? Whoa, oh, oh, the silence is way too loud. Yeah, 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 cause I won't be okay without you every day. Baby, don't run away. Baby, don't throw our love away. So guys, हम आ चुके हैं अपने घर वाले कपड़ों में. सब मेकअप उतारना है अभी, पर भूख बहुत तेज लगी हुई है. तो जरा निगाह मारो प्लेट की तरफ. आलू गोभी बनाई मम्मी जी ने, दाल चावल एक एक चपाती है. बाकी हम तो वो लेके आए थे पनीर, बाकी देखेंगे जो मोहन बेकरी से लेके आए थे हम, पेस्ट्रीज वगैरह बाद में खाएंगे. चलो गाइज अभी इंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आज का व्लॉग. और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले व्लॉग्स को भी ऐसे प्यार देते रहिएगा. थैंक यू, बाय.